नमस्कार, राम राम सा। श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के सभी दर्शकों और पाठकों का टाइम्स की विशेष पेशकश आपनो गांव आपनी खबर वीडियो न्यूज बुलेटिन में स्वागत अभिनंदन। सबसे पहले आप सभी से एक निवेदन, श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी प्रामाणिक और विश्वसनीय समाचारों से अपडेट रहने के लिए आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। आइए देखते हैं 26 अगस्त 2020 को हमारे क्षेत्र की खास खबरें। कोरोना संक्रमण का फैलाव जारी है, आज 2 पॉजिटिव और मंगलवार को 4 पॉजिटिव रिपोर्ट हुए। प्रभावित क्षेत्रों में उपखंड अधिकारी ने लगाया कर्फ्यू। रामगोपाल सुथार को बनाया गया चूरू जिला प्रभारी, वहीं भाजपा ने योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया। विवेक माचरा ने किसानों के साथ खेतों में जाकर उचित मुआवजे की मांग के साथ अडानी कंपनी का काम रुकवाया। महिला के गले से कस्बे में दिन दहाड़े चैन तोड़कर ले गए लुटेरे, पुलिस ने जारी की लुटेरों के सीसीटीवी फुटेज। आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। बीकानेर में आज जारी रिपोर्ट में 78 कोरोना पॉजिटिव बुलेटिन बनने तक रिपोर्ट हुए। कस्बे में कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है। श्री डूंगरगढ़ कस्बे में मंगलवार को 3 नए कोरोना संक्रमित सामने आए। कालूबास में वार्ड 29 निवासी 37 वर्षीय एक पुरुष, वार्ड 2 निवासी 39 वर्षीय महिला और बिघाबास के वार्ड 12 में निवासी 45 वर्षीय एक पुरुष कोरोना संक्रमण से पीड़ित हो गए। आज आई रिपोर्ट में रेड़ी गांव में एक मृतक रज्जा के रिश्तेदार 2 जने कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट हुए। गांव राजेड़ू व गांव करणीसर के इन दोनों मरीजों ने रेड़ी में सैंपल दिए। ये आज मेडिकल टीम इनको लेने रेड़ी पहुंच गई और इन्हें श्री डूंगरगढ़ के कोविड सेंटर लाया गया है। गांव रेड़ी के शेष सभी सैंपल नेगेटिव रिपोर्ट हुए हैं। आज कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रशासन ने कालूबास के वार्ड 2 और वार्ड 29 में कर्फ्यू की घोषणा भी कर दी है। आज सेसोमो गर्ल्स कॉलेज में बनाए गए राजकीय कोविड सेंटर में अव्यवस्थाओं संबंधी एक वीडियो सुबह क्षेत्र में वायरल हुआ। बुधवार को कोविड सेंटर में भर्ती एक कोरोना संक्रमित के परिजन द्वारा बनाए गए इस वीडियो में वहां रहने वाले कोरोना संक्रमितों ने अपनी परेशानियां बताई है। श्री डूंगरगढ़ के भाजपा नेता रामगोपाल सुथार को पार्टी ने महत्वपूर्ण पद देते हुए चूरू जिला प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। बुधवार को भाजपा प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्देशों पर संभाग में जिला प्रभारियों की नियुक्तियां की है। विदित रहे कि सुथार से पूर्व भी भाजपा देहात जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं चूरू जिला प्रभारी की जिम्मेदारी पार्टी में निभा चुके हैं। सुथार की नियुक्ति के बाद उनके समर्थकों में उत्साह है और उन्हें लगातार बधाइयां दी जा रही है। वहीं आज स्थानीय भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण आत्मनिर्भर भारत अभियान के जिला संयोजक व पूर्व मेयर नारायण चोपड़ा ने अभियान के क्षेत्रीय संयोजक व सहसंयोजकों की बैठक ली। जिला सहसंयोजक राजेंद्र पंवार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं की पूरी जानकारी कार्यकर्ताओं को दी। बैठक में प्रदेश कार्य समिति सदस्य रामगोपाल सुथार, शहर संयोजक गरीब कल्याण योजना के मानमल शर्मा, मंडल अध्यक्ष महावीर अड़ावलिया, विनोद गिरी गुसाई, विक्रम सिंह सत्तासर, जितेंद्र माली, महेश राजोतिया, प्रदीप जोशी, जगदीश पारिक, तोलाराम कुकणा, शिव तावणिया, भवानी तावणिया, रजत आसोपा, हुक्माराम भादू, रामरतन धारणिया, गोपाल व्यास और जितेंद्र माली ने भाग लिया। आम जन तक योजनाओं की जानकारी व लाभ पहुंचाने का संकल्प किया। क्षेत्र के गांव पुनरासर, मणकरासर, गुसाईसर बड़ा होते हुए गुजरते हुए निर्माणाधीन निजी कंपनी के बिजली लाइन के कार्य को आरएलपी नेता विवेक माचरा की अगुवाई में किसानों ने रुकवा दिया एवं उचित मुआवजा मिलने तक कार्य नहीं करने देने की चेतावनी भी दी है। इन गांवों की रोई के खेतों में चल रहे कार्य को रुकवाते हुए विवेक माचरा ने निजी कंपनी के हाथों किसानों का शोषण नहीं होने देने की बात कही। माचरा ने किसानों को जागरूक करते हुए कहा कि न्यायालय ने कंपनी को सबसे पहले किसानों को 35 साल के हिसाब से उचित मुआवजा देने के साथ लगातार प्रति वर्ष फसल उत्पादन के हिसाब से फसल का मूल्य और साथ में किसानों की अनिवार्य सहमति के बिना काम ना करने के निर्देश दिए हैं। फिर भी निजी कंपनी सरेआम किसानों का शोषण कर रही है और ऐसे में कंपनी को सबक सिखाने के लिए किसानों को एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। पंचायत समिति सदस्य बीकानेर मुन्नीराम गोदारा ने कहा कि ये निजी बिजली कंपनी किसानों को सरकारी प्रोजेक्ट होने के नाम पर झूठा आरोप दिखाकर प्रत्येक किसान को मिलने वाले 22 लाख के करीब का मुआवजा न देकर न्यूनतम मुआवजा देकर किसानों के साथ अन्याय कर रही है।
मंगलवार को कस्बे के मोमासर बास की बोथरा बारदाने वाली गली में सुरेंद्र दुगड़ के घर के सामने दो युवकों ने 58 वर्षीय बुजुर्ग सरला देवी दुगड़ के गले से चैन तोड़कर ले गए। पीड़िता सरला देवी दुगड़ ने टाइम्स को बताया कि वह सब्जी बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी और दोनों हाथों में सब्जी के थैले थे। अचानक पीछे से आ रही बाइक पर दो जने सवार थे, जिन्होंने कान की कनौती खींचकर तोड़ने का प्रयास किया, परंतु उसमें सफल नहीं हो सके और गले से चैन तोड़कर ले भागे। उन्होंने टाइम्स को बताया कि बाइक सवार आगे बैठे युवक ने शर्ट पहन रखी थी और पीछे सवार लड़के ने हरे रंग की टी शर्ट पहन रखी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पता चला हीरो होंडा की स्प्लेंडर बाइक लुटेरों ने कार्य में ली है और उस पर दो जने सवार थे। घटना के बाद स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष बाबूलाल सहदेवड़ा ने समाज के सभी लोगों को सूचित करते हुए ऐसी चैन कोई बेचने आए तो तुरंत पुलिस को सूचना देने की बात कही है। पुलिस ने भी लुटेरों के सीसीटीवी फुटेज जारी करते हुए नागरिकों से पहचान करने व कोई सूचना ज्ञात होने पर तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी राजनीतिक, आपराधिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक समाचारों से जुड़ने के लिए आप जुड़िए श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें। आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। सादर धन्यवाद। शुभ रात्रि।